हम आए हैं दानू रोड रिसाइकलिंग करने को। मॉर्निंग का 8 o'clock, अब हम चालू करेंगे अपनी जर्नी। जैसे ही मेरी साइकिलिंग शुरू की, आप देख रहे होंगे कि मुझे सामने की धूप मिल रही है जो बहुत अच्छी लग रही है। अर्ली मॉर्निंग में साइकिल चलाना बहुत अच्छा होता है, और अगर कोई ट्रैफिक ना हो तो और भी मजा आ जाता है। पर जैसे कि आपको पता है कि दानू एक इंडस्ट्रियल एरिया है और हाईवे से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, तो यहाँ हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि रोड के बीच में कोई डिवाइडर नहीं है और रोड काफी छोटा है चौड़ाई में, तो मुझे बहुत ही ध्यान से साइकिल चलानी पड़ रही है। काफी समय मुझे हैवी व्हीकल्स की वजह से रोड के नीचे आना पड़ रहा है। अगर ध्यान से साइकिल ना चलाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे हैं। वैसे तो बहुत ही मजा आ रहा है साइकिल चलाने को, क्योंकि सुबह सुबह दानों में काफी ठंडी होती है क्योंकि यहाँ काफी हरियाली भी है। यहाँ काफी पेड़ पौधे हैं और काफी छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, जिसे देखने का तो मजा आ रहा है पर साइकिल चलाने का भी मजा आ रहा है। पर एक बात तो है कि रोड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसा लग रहा है कि रोड को मेंटेनेंस की जरूरत है। काफी सारे रोड पर गड्ढे हैं, जिससे खाली पैचिस के द्वारा ठीक किया गया है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर सरकार को कुछ तो करना चाहिए जिससे रोड की कंडीशन ठीक रहे, क्योंकि दानों में काफी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से रोड दिन भर दिन खराब तो होगा ही। अगर टाइम टू टाइम प्रॉपरली मेंटेनेंस करेंगे तो सभी को रोड पर व्हीकल्स चलाने का भी मजा आएगा। अगर आप यह साइकिलिंग करने आ रहे हो तो हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी, जिससे आपको काफी दिक्कत का सामना हो सकता है। मैं तो मेरे पापा के साथ साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे हाइड्रेशन का टेंशन नहीं लेना पड़ा। पर अगर कोई सोलो साइकिलिंग कर रहा है
तो प्लीज पहले से ही हाइड्रेशन का ख्याल रखें। अगर हो सके तो 1-2 लीटर की पानी की बोतल भर के अपने पास रखें, और हो सके तो इलेक्ट्रोल का पाउच भी अपने पास रखें, जिसे जरूरत होने पर हम यूज कर सके। अगर हाईवे पर साइकिलिंग कर रहे हो तो काफी ध्यान से साइकिल चलाएं। हाईवे पर पहुंचते ही हमने महालक्ष्मी मंदिर जाने का प्लान बनाया। मंदिर काफी अच्छा है और कोई ज्यादा भीड़ भी नहीं है, जिससे काफी अच्छे से दर्शन हुए माता मां लक्ष्मी जी के। और क्लीनलीनेस का काफी ध्यान रखा गया है, पर मैंने सुना है कि यहाँ फेस्टिवल के दौरान काफी ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु लोग आते हैं और काफी भीड़ भी होती है यहाँ पर। ऐसे तो ये नया मंदिर है और पुराना मंदिर एक छोटे से पहाड़ पर स्थित है, जो कि इस मंदिर के पीछे से एक दूसरा रास्ता जाता है पुराने मंदिर के और।
करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये व्लॉग आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर करें कि आपने कभी इस मंदिर में विजिट किया है क्या। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।